राइट मैसेज, राइट कम्युनिकेशन, कंट्री इनसाइड न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से राष्ट्र को अपना संबोधन दिया। इस दौरान उन्होंने कुल 88 मिनट का भाषण दिया। पीएम मोदी ने नया मंत्र देते हुए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास में सबका प्रयास को जोड़ दिया। इस दौरान पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अब सभी सैनिक स्कूलों में बेटियां भी पढ़ेंगी। इसके अलावा युवाओं के रोजगार के लिए पीएम गति शक्ति योजना का भी ऐलान किया। इसी बीच पहली बार आयोजन स्थल पर MiG-17 हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हुई। पीएम मोदी ने संदेश देते हुए कहा कि यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। असंख्य भुजाओं की शक्ति, उठो तिरंगा लहरा दो, छोटे किसानों की ताकत बढ़ाने के लिए हम प्रयासरत हैं। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पहले की सरकार खुद ही ड्राइविंग सीट पर थी, पुराने कानून को खत्म करने में कोई रुचि नहीं दिखाई। हमें पुराने कानून को खत्म करना होगा, सरकार पर बोझ खत्म तक करना होगा, ताकि महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान दिया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, कंट्री इनसाइड न्यूज़।